हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेंजिस्ट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फुल डे वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कोई और डिजीज कंडीशन है तो आप ये प्लान अवॉइड कीजिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। तो अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल वाटर के साथ या ल्यूक वार्म वाटर के साथ, और उसके बाद आपको जो ड्रिंक लेना है वो है चिया सीड वाटर। तो ये डाइट प्लान में मैं आपके साथ ऑप्शन भी शेयर करूंगी। तो चिया सीड वाटर जो है वो बेनिफिशियल होता है वेट लॉस के लिए। चिया सीड्स के अंदर अच्छा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, और ऑप्शन आप ले सकते हैं जीरा सीड वाटर या कोरिएंडर सीड वाटर। सेकेंड हम बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 9 to 9:30 AM के बीच होना चाहिए। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में दिखा है मेथी का पराठा और उसके साथ थोड़ा सा कुक्यूम्बर का रायता है। तो मेथी का पराठा आपको मीडियम साइज का लेना है, और उसे बनाते टाइम मेक श्योर आप उसमें अच्छे से मेथी डाल रहे हो और थोड़ा सा बेसन का आटा भी। सो उससे क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बैलेंस होने में मदद होता है और आपको जल्दी फुल करता है। ऑप्शन इसके साथ है स्प्राउट्स बॉल और वेजिटेबल उपमा। तो आप मेथी के पराठे के बदले ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं फॉर वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट के बाद भी थोड़ी भूख लगती है और आपको कुछ खाने का मन किया तो आप फ्रूट और उसके साथ नट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं सोक्ड आलमंड्स। तो आलमंड्स कितने, 5 लिए। तो आप 5 to 6 आलमंड्स ले सकते हैं और उसके साथ एक फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट जो लिया है वो गोवा लिया है। तो इसके बदले आप कोई और फ्रूट भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही फ्रूट ले या यही नट्स ले, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास था अवेलेबल सोक्ड आलमंड्स, तो मैंने वो दिखा है, पर आप दूसरे कोई भी नट्स ले सकते हैं, जैसे कि वॉलनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, और फ्रूट भी जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फ्रूट मैंने दिखाया है वो है चीकू। तो चीकू क्यों, क्योंकि किसी किसी को स्वीट खाने का मन करता है, तो वो आप स्वीट फ्रूट भी ले सकते हैं। और फ्रूट्स में मोस्टली सारे फ्रूट्स में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होते हैं, तो इससे आपकी कैलोरीज इनटेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका अच्छे से वेट लॉस होगा। और आप चाहे तो मिड मॉर्निंग स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लंच की। तो लंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लंच का टाइम 1:30 to 2 PM के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक होल व्हीट की रोटी ली है। मेक श्योर जब आप व्हीट पीस के लाते हो तो आप उसका फाइबर और ब्रान मत निकालो, वैसे ही रोटी बनाओ, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है। नेक्स्ट जो मैंने करी ली है वो है राजमा करी। तो राजमा भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और इससे कार्ब और प्रोटीन बैलेंस हो जाएगा। और साथ में हमारे पास है कुक्यूम्बर का सैलेड और टोमेटो का सैलेड। तो ये सैलेड जो है वो हमें फुल करने में हेल्प करता है और इसके अंदर फाइबर होता है जिससे वेट लॉस होता है। और ऑप्शन यहाँ पे रागी रोटी, मसूर दाल करी प्लस सैलेड, और बाजरा रोटी, मूंग करी और सैलेड। तो आपको ऐसी प्लेट में ये पोर्शन साइज में लेना है। नाउ हम बात करेंगे स्नैक्स की। तो स्नैक्स में आपको क्या लेना है, स्नैक्स में आपको सिर्फ ग्रीन टी लेना है क्योंकि ये वेट लॉस के लिए डाइट है। अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप थोड़े से एक बाउल में रोस्टेड चना ले सकते हो, पर अगर आपको भूख नहीं लगती है तो फिर आप सिर्फ ग्रीन टी पी सकते हो। आप ग्रीन टी के बदले मैंने यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी दिए, जैसे कि आप लेमन टी पी सकते हो या ब्लैक कॉफी पी सकते हो, तो वो भी बेनिफिशियल होता है वेट लॉस के लिए। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से एक कप अच्छे से ग्रीन टी पिए, और चाहे तो आप मिड मॉर्निंग अगर आपने स्किप किया हो तो आप वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिनर की। तो डिनर भी बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है और मेक श्योर वो 7 to 8 PM के बीच हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिनर में लिया है वेजिटेबल राइस। तो मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के राइस बनाया है, उसके साथ मैंने लिया है कर्ड। तो कर्ड में प्रोटीन और प्रोबायोटिक होता है, तो यहाँ पे हमारा कार्ब और प्रोटीन बैलेंस हो गया, और बचा फाइबर। तो फाइबर में फिर से हमने क्यूक्यूम्बर का सैलेड लिया है, तो इससे हमारा फाइबर भी बैलेंस हो जाएगा और एक बैलेंस्ड मील बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं दाल चावल प्लस सैलेड जो एक बैलेंस मील है, और पनीर वेज पुलाव प्लस सैलेड, तो वो भी एक बैलेंस मील है। तो इससे अच्छा आपका कंप्लीट डिनर हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि जब भी आप डाइट करें उसके साथ वर्कआउट आप जरूर करें, और नाइट में आप सोने से पहले एक ग्लास वाटर